What's up everyone, welcome to another of my videos and today I come to in Uttarakhand and in this time I am Bhavali और मैं इस समय भवाली में आया हुआ हूँ और काफ़ी सुंदर है भवाली का दृश्य। एंड अब आपको आपको पता ही है कि ठंड भी बहुत जल्दी आ जा पड़ जाता है, पर इस समय बारिश हुआ है तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, ठंड भी काफ़ी स्टार्ट ही है और इस टाइम क्योंकि गर्मी के कपड़े भी पहनना पड़ रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। एंड दिखाऊँ तो इस तरीके से पीछे की तरफ की बैक साइड अगर दिखाऊँ तो इस तरीके से खेती वगैरह करते हैं। ये लौकी के खेत हो गए, ये देखिए इसमें लौकी भी नीचे की तरफ ये लगा हुआ है एंड ये इस तरीके से सारे लौकी के पेड़ हैं नीचे की तरफ। एंड इधर की तरफ दिखाऊँ ना, इधर की तरफ काफ़ी सारे फलों के पौधे भी हैं। एंड यहाँ पे बताऊँ तो एयरफोर्स का जो ऑफिसर्स लोग होते हैं तो एयरफोर्स के जो यहाँ पे आवास गृह भी है कि है एयरफोर्स के ऑफिसरों का। एंड आगे की तरफ सैनिक स्कूल भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आके देखने को मिलता है। एंड ऊपर की तरफ दिखाऊँ ना, ऊपर की तरफ इस तरीके से लोगों के मकान हैं, घर हैं और यहाँ का व्यू है। ये भवाली का जो कि भवाली जो मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे मुक्तेश्वर रोड में आके आपको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। एंड आज बारिश हुआ है ना तो काफ़ी साफ सुथरा है, मौसम काफ़ी एकदम सुहावना मौसम हो चुका है बिल्कुल, और सूर्य की रोशनी ढल चुका है और शाम हो चुका है। एंड फूलों के पौधे दिखा दो तो इस तरीके से गेंदे के बड़े बड़े प्लांट्स है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुहावना। पर ठंड बहुत है इस टाइम, ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरा हुआ है, उंगली बिल्कुल हमारे पूरा हाथ हैंड है मेरा बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका है। और इसमें ना बेल बहुत सारे हैं, बेल काफ़ी सारे लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे दिखाऊँ ना, यहाँ पे एक चीज़ दिखने को मिलता है ना, इसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है, जैसे हम भाषा में हम लोग ककड़ी कहते हैं पर ये पहाड़ का जो खीरा कहते हैं हम इसे, और यहाँ पे पहाड़ के लोग इसे ककड़ी भी कहा करते हैं, शायद ककड़ी भी हो सकता है इसका नाम। तो काफ़ी बड़े बड़े ककड़ी भी है ऊपर की तरफ, पीले कलर का चमक रहा है बिल्कुल, और ये काफ़ी महंगा आता है, कम से कम मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो करके बिकता है और टेस्टी होता है काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसा दिखने में लग रहा है कि इसके अंदर बहुत बीज होगा पर बीज बिल्कुल एकदम ना के बराबर होता है, बहुत कम बीज होता है और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, तो इसको काफ़ी महंगा भी होता है। और दिखाओ तो यहाँ पे काफ़ी सारे हल्दियों को भी निकाल रहे हैं, शायद हल्दी नहीं और भी है, कुछ कलर इसका अलग है। और इसमें फूल के पेड़ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, गेंदा बिल्कुल इस टाइम खिल चुका है। और अगर बात करूँ तो प्लेन साइड की वहाँ पे अभी लगा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन पहाड़ों में काफ़ी पहले ही हो चुका होता है सारा चीज़ है। और काफ़ी तेज है यार, बहुत तेज़ हवा है। एंड दिखाओ मैं एक पेड़ में आपको ऐसा दिखाऊंगा ना जिसमें बिल्कुल पत्तियां कम हैं और नींबू ज़्यादा है, इस तरीके से दिखाऊं तो ये देख लो, ये इस तरीके से देख सकते हैं इसमें सारे पर खाया नहीं जाएगा क्योंकि ठंड आ गया है और काफ़ी खट्टा है, पर हम अभी खा नहीं सकते इसको। और इतने हैं ना बहुत ज़्यादा लगाए पत्ती, बिल्कुल सच बोलते एकदम आप देख पा रहे होंगे कैंप में पत्ती बहुत कम है। और इस तरीके से करते हैं बागवानी भी करते हैं नींबू की, एंड ऊपर की तरफ की ककड़ी, एंड ऊपर की तरफ काफ़ी सारे बहुत सारे लगे। मैं एक आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इधर नीचे की तरफ इधर ककड़ी बहुत है, इसे ककड़ी कहा जाता है, काफ़ी सारे ककड़ी लगे हुए इस तरीके से हल्दी वगैरह में खेती को दिखा रहा हूँ कि पहाड़ में किस तरीके से। ये देखिए सारे अरबी हो गए नीचे की तरफ, ये अरबी अभी खोदा गया है थोड़ा ही देर हुआ है। एंड दिखाऊँ ना इस तरीके से ये सारे ककड़ी लगी हुई है ऊपर की तरफ, सारे ककड़ी है बिल्कुल, और इसे खीरा भी कह सकते हैं पर है कि लोग ककड़ी कहते हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, शायद ककड़ी कहते हैं इसको, तो इसको मतलब खाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड मक्के की भी खेत लगा रखा है इधर, दिखाओ तो मक्के की खेत आप देख पाते होंगे इस तरीके से, देखिए ये मक्के के खेत हो गए काफ़ी बड़ा, यहाँ पे बहुत सारे मक्के लगे हुए हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात करूँ ना, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होता है पहाड़ों का, और बारिश हुआ है तो आज बिल्कुल सुहावना मौसम है और काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर देख पा रहे होंगे इतना सुंदर है। एंड मैं अब जाऊँगा ऊपर की तरफ, फाइनली हम ऊपर के साइड में आ चुके हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और ऊपर की तरफ काफ़ी सुंदर है। इधर ये फॉरेस्ट का एरिया है एंड यहाँ पे ना काफ़ी पाले पड़ते हैं, कहते हैं कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा पाले पड़ता है और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और बादल क्योंकि इतना आ रहा है ना, ऊपर के साइड की बात करूँ तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से ऊपर बादल है, बिल्कुल बादल ही बादल है, बारिश भी हो रहा है पर इस समय थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो इसीलिए मैं ऊपर के साइड में आ पाया हूँ, वरना हम नीचे खेत की तरफ गए हुए थे और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो इस तरीके से बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि हम पहाड़ में हैं क्योंकि पहाड़ों में आजकल बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ ना तो काफ़ी सारे यहाँ पे भी सोसाइटी वगैरह एंड यहाँ पे कोटेज होटल्स, तो काफ़ी सारे चीज़ें बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये ऊपर का व्यू है, इस तरीके से देखिए एक पुराना सा गेट है
और लकड़ियों से इसको बनाया। पहले इस रोड से नीचे की तरफ जाया करते थे, तो काफ़ी पुराना रोड है यहाँ पे। एंड इस तरीके से यहाँ का व्यू है, और ये भवाली रेंज में आता है, भवाली के एरिया के अकॉर्डिंग आता है, तो काफ़ी सुंदर है। और बिल्डिंग्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक टाइम था कि पहाड़ों में बिल्डिंग्स बिल्कुल छोटे छोटे घर हुआ करते थे, एक मंजिला या दो मंजिला। तो आजकल क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत बड़े बड़े देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा सा एक होटल बना हुआ है, नीचे के साइड में है ये होटल। एंड काफ़ी सारे इस तरीके की बिल्डिंग है, बहुत सारे है, एक दो नहीं है, काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है इस तरीके से। एंड मैं नीचे की तरफ बिल्कुल खाई है, एंड इधर की तरफ भी देख पा रहे होंगे, इधर के साइड में भी है। तो यहाँ का जो व्यू है ना, व्यू बहुत ही अपने आप में काफ़ी सुंदर है यहाँ का, और एटमोसफियर का ऊपर इसी जो होटल है ना, ये होटल से बिल्कुल जस्ट ऊपर के साइड में ही रोड है, एक हाईवे बना हुआ है, ये मुक्तेश्वर की तरफ ये रोड गया हुआ है, वहाँ से ट्रक वगैरह सारा कुछ कंटिन्यू चलता रहता है, और ऊपर के साइड में ऐसे ही जाया जाता है। और ऊपर के साइड में है क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से रोड ऊपर से आ नहीं पा रहा है। इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर के साइड से हल्का सा दिख रहा है, कार भी आया हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ का व्यू है, व्यू बहुत ही सुंदर है, और होटल्स बहुत सारे हैं। और इस तरीके से ऊपर की तरफ देखिए कितना हाइट में एक ट्रक गया हुआ है, तो बहुत हाइट में है ट्रक इस टाइम, अगर मैं दिखाऊँ तो बैक कैमरा घुमा के इस तरीके से, और काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से देख पा रहे होंगे एक ट्रक भी है, ये थोड़ा सा क्योंकि पेड़ है तो इसी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, ये है वाह यहाँ पे आ गया है बस। इस तरीके से एक कार गुजर रहा है, एक ट्रक भी गुजर रहा है, एंड ये है व्यू। एंड इस तरीके से बादल अभी पूरा एकदम, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है और बिल्कुल ठंड एकदम स्टार्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा पड़ता है और स्टार्टिंग हो जाता है बहुत जल्दी ठंड का, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके भी, और काफ़ी सुंदर है। होटल्स वगैरह देखिए कितने बड़े बड़े होटल है पहाड़ों में, पहले कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े होटल कभी पहाड़ों में भी होगा, तो इतने बड़े बड़े होटल हैं। एंड रिजॉर्ट वगैरह भी आगे की तरफ बहुत सारे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से मैं हमेशा अपने कैमरे में अच्छे व्यू है, जो अच्छे जगह है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी प्लेन्स के लोग होते हैं तो सोच नहीं पाएंगे कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी पहाड़ों में होते हैं। जी हाँ, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी पहाड़ों में आजकल हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ के देवदार के पेड़ भी ऊपर के साइड में, क्योंकि इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा यहाँ पे रहता है, क्योंकि कहते हैं कि पहाड़ों में जहाँ पर भी देवदार के पेड़ होंगे ना, तो वहाँ पे ठंड भी पड़ता है, प्लस वहाँ बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इस तरीके से। और काफ़ी ठंड है, और जैकेट आज पहनना ही पड़ा, क्योंकि गर्मी के कपड़े यूज़ ही करना पड़ रहा है दो तीन दिनों से कंटिन्यू, पर आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है, तो एक गर्मी के कपड़े से ऐसा महसूस हो रहा है कि काम नहीं चलेगा बिल्कुल, हाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ का व्यू है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहाड़ों में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन के बजाय आदमी हर कोई सोचता है कि हम एक ही दिन के लिए जाएंगे, पर काफ़ी टाइम निकल जाता है आने के बाद, और काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरीके से देखिए, मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे इस तरीके से देवदार के भी पेड़ है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से दिखाओ तो ये एक पेड़ हो गया, काफ़ी इसकी मोटाई भी बहुत है, पर इसमें थोड़ा अभी छाया है ना, तो इसीलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और बताओ तो यहाँ पे चीड़ के पेड़ भी है, अदरवाइज़ अगर बात करूँ दूसरे पेड़ के तो और भी बहुत सारे पेड़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। एंड काफ़ी सुंदर भी है, और बहुत ही सुंदर है, और आने के बाद तो मन करता है कि यहीं पे ही हम लोग थोड़े दिन और रुके, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।